नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं टेक अनबॉक्सिंग। सो गाइस, वीडियो के थंबनेल से आपको पता ही चल गया होगा कि आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं पांच ऐसे बढ़िया और बेहतरीन स्पीकर्स जो आपको मिल जाएंगे 1000 रुपए की प्राइस रेंज के अंदर। और गाइस, यहाँ पे जितने भी सारे हम स्पीकर्स अनबॉक्स करने वाले हैं, यहाँ पे एक भी स्पीकर मुझे कंपनी ने रिव्यू यूनिट के तौर पे नहीं भेजा है, तो ये सारे स्पीकर्स मैंने खुद परचेस किए सिर्फ आपके लिए। सो गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही नए नए गैजेट्स आपके लिए मैं परचेस करता रहूंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो यहाँ पे जो सबसे पहला स्पीकर है वो है पोर्टस्टोन 200 और बॉक्स के ऊपर आपको उसके कई सारे डिटेल्स और स्पेसिफिकेशंस देखने मिलते हैं। सो गाइस, ये है वो एक्चुअल स्पीकर। यहाँ पे आगे की तरफ आपको बोट की ब्रांडिंग देखने मिलती है, ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे काफ़ी बढ़िया सिलिकॉन स्ट्रैप देखने मिलता है। यहाँ पे आपको पावर ऑन, पावर ऑफ, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, प्ले पॉज के बटन्स देखने मिलते हैं। यहाँ पे साइड में आपको देखने मिलता है एक पोर्ट जिसमें आपको देखने मिलता है ऑक्स पोर्ट और माइक्रो एसबी पोर्ट इसे चार्ज करने के लिए। नीचे की तरफ आपको देखने मिलता है ट्राइपॉड माउंट जिसकी हेल्प से आप इसे ट्राइपॉड पे भी माउंट कर सकते हो और इसके ऊपर ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो अभी हम करते हैं इसे पावर ऑन और पावर ऑन करके हम कनेक्ट करते हैं इसे ब्लूटूथ से। सो गाइस, यहाँ पे ये ब्लूटूथ से कनेक्ट हो चुका है, तो अभी हम प्ले करते हैं इसमें कुछ सॉन्ग्स। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा इस बोटस्टोन 200 स्पीकर का अनबॉक्सिंग, काफ़ी बढ़िया और बेहतरीन ये स्पीकर है। गाइज, ये जो स्पीकर है ये वाटर रेजिस्टेंस है, ना कि वाटर प्रूफ है। सो जैसे मैंने पानी पोर किया, यहाँ पे इसका जो साउंड है थोड़ा सा यहाँ पे फ्लक्चुएट हुआ, बट खैर कोई बात नहीं, अपना इंडियन वे से बस ऐसा टैप करने का सो पानी बाहर आता है और फिर उसके बाद आप स्पीकर को नॉर्मली यूज़ कर सकते हो। गाइज, इसकी जो बैटरी कैपेसिटी है वो है 1500 mAh की और ये अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10 hours का आपको बैटरी लाइफ देगा। सो गाइज, काफ़ी बढ़िया स्पीकर है और यहाँ पे आपको 3 watts का आउटपुट देखने मिलता है जो काफ़ी मुझे पसंद है, और नीचे की तरफ आपको ट्राइपॉड का माउंट भी देखने मिलता है। सो यहाँ पे जो अगला स्पीकर है वो है ये बोटॉन का P10 वॉश जो है IPX5 वाटर रेजिस्टेंस और बॉक्स के ऊपर आपको उसके कई सारे स्पेसिफिकेशंस देखने मिलते हैं। सो ये है वो एक्चुअल स्पीकर, काफ़ी बढ़िया कलर है। यहाँ पे आगे की तरफ आपको फ्रोटॉन का ब्रांडिंग देखने मिलता है, ऊपर की तरफ आपको वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन और पावर ऑन ऑफ का बटन देखने मिलता है, और साइड में ज़्यादा कुछ भी नहीं, बस रबर का पैडिंग यहाँ पे आपको देखने मिलता है, और यहाँ पे आपको पीछे की तरफ माइक्रो यूएसबी पोर्ट, ऑक्स केबल और एचडी कार्ड का स्लॉट देखने मिलता है। और गाइज, अभी हम करते इसे पावर ऑन, करते इसे ब्लूटूथ से कनेक्ट और प्ले करते इसमें कुछ सॉन्ग्स।
दोस्तों, जैसे आपने देखा इस P10 स्पीकर का अनबॉक्सिंग, काफी बढ़िया और बेहतरीन स्पीकर यहाँ पे प्रोटॉन की तरफ से आपको देखने मिलता है। और गाइज, ये जो स्पीकर है ये कम्प्लीटली वाटर प्रूफ है, मतलब आप इसे पानी में कम्प्लीटली सबमर्ज करके निकाल सकते हो। जैसे आपने वीडियो में देखा, काफी बढ़िया तरीके से इसने सर्वाइव किया। और गाइज, इसमें भी वही होता है, थोड़ा सा साउंड यहाँ वहाँ पे फ्लक्चुएट हो जाता है, बस आपको टैप करना है और जो पानी बाहर आता है और उसके बाद आप नॉर्मली इसे यूज कर सकते हो। गाइज, इसकी जो बैटरी कैपेसिटी है वो है 2000 mAh की और आपको 4 to 5 hours का यहाँ पे प्लेबैक टाइम मिलेगा। गाइज, यहाँ पे जो प्लेबैक टाइम है थोड़ा कम है क्योंकि यहाँ पे कंपनी क्लेम करती है 5 watts के 2 speaker है, बट मेरे हिसाब से एक ही स्पीकर रहेगा क्योंकि 5 watts के 2 speaker मतलब 10 watt काफी ज्यादा होता है, बट साउंड जो है काफी डिसेंट है और काफी बढ़िया ये स्पीकर है। यहाँ पे जो अगला स्पीकर है वो है HP का मिनी 300 स्पीकर और यहाँ पे बॉक्स के ऊपर आपको कई सारी इन्फॉर्मेशन अलग अलग लैंग्वेज में देखने मिलती है। सो गाइज, ये है वो एक्चुअल स्पीकर। आगे की तरफ आपको HP की ब्रांडिंग देखने मिलती है, ऊपर की तरफ आपको पावर ऑन, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन और कॉल रिसीव का बटन देखने मिलता है। साइड में ज्यादा कुछ भी नहीं। नीचे की तरफ आपको देखने मिलता है ऑक्स केबल और माइक्रो USB पोर्ट इसे चार्ज करने के लिए। बाकी स्पीकर के ऊपर ज्यादा कुछ भी नहीं, तो अभी हम करते इसे पावर ऑन, करते इसे ब्लूटूथ से कनेक्ट और प्ले करते इसमें कुछ सॉन्ग्स। तो जैसे आपने देखा HP Mini 300 का अनबॉक्सिंग, काफी बढ़िया स्पीकर है गाइज। इसमें जो स्पीकर है वो है 3 वॉट्स का और यहाँ पे जो आपको प्लेबैक टाइम है वो मिलेगा 8 आवर्स का और इसकी जो बैटरी लाइफ है वो है 8 आवर्स की। इसकी जो बैटरी कैपेसिटी है वो कहाँ पे भी मेंशन नहीं है। इसका जो मैनुअल है आप देख ही सकते हो, मैं आपको बता दूँ इतना बड़ा इसका मैनुअल आता है गाइज। और ये पूरे मैनुअल में मैंने सर्च किया, मुझे कहाँ पे भी नहीं मिला और ऐसे और 2 manuals पड़े इसके, पता नहीं उसमें रहेगा, बट जो बैटरी कैपेसिटी है वो नहीं पता। बट 8 आवर्स का बैटरी बैकअप यहाँ पे आपको देखने मिलता है। काफ़ी कॉम्पैक्ट और बढ़िया ये स्पीकर है। सो यहाँ पे जो अगला स्पीकर है वो है लीफ का पॉप स्पीकर और बॉक्स के ऊपर आपको कई सारी उसकी इन्फॉर्मेशन देखने मिलती है। प्लस गाइज, इसमें आपको देखने मिलता है फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी। सो गाइज, ये है वो एक्चुअल स्पीकर। आगे की तरफ आपको लीफ के ब्रांडिंग और लोगो देखने मिलता है, ऊपर की तरफ पावर ऑन, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, प्ले पॉज का बटन देखने मिलता है। यहाँ पे पीछे की तरफ आपको माइक्रो USB पोर्ट, HD कार्ड का स्लॉट, रीसेट बटन, ऑक्स केबल और नीचे की तरफ आपको देखने मिलता है काफी बढ़िया मोबाइल स्टैंड जिसके ऊपर आप मोबाइल प्लेस कर सकते हो और नीचे की तरफ आपको देखने मिलता है ग्रिपी सर्फेस। सो गाइज, अभी हम करते इसे पावर ऑन, करते इसे ब्लूटूथ से कनेक्ट और प्ले करते इसमें कुछ सॉन्ग्स। तो जैसे आपने देखा इस लीफ पॉप स्पीकर का अनबॉक्सिंग, काफी बढ़िया ये स्पीकर है गाइज। यहाँ पे आपको देखने मिलता है 3 watts का स्पीकर आउटपुट और इसकी जो बैटरी कैपेसिटी वो काफी कम है, मतलब 400 mAh की कैपेसिटी सिर्फ यहाँ पे आपको देखने मिलती है। और इसका जो प्लेबैक टाइम है वो है 6 to 7 hours का, जो काफी रेवोल्यूशनरी है, मतलब इतने कम बैटरी कैपेसिटी में इतना अच्छा आपको प्लेबैक टाइम देखने मिलता है। प्लस इसकी जो चार्जिंग है वो है फास्ट चार्जिंग, सो 1.5 hours में इसकी जो बैटरी है कम्प्लीटली चार्ज हो जाती है। सो गाइज, काफी बढ़िया और बेहतरीन स्पीकर है, साउंड क्वालिटी भी काफी अच्छी है। और गाइज, यहाँ पे जो आखिरी स्पीकर है वो है ये MI का स्पीकर और बॉक्स के ऊपर ज्यादा कुछ भी नहीं दिया है, तो चलिए हम इसे अनबॉक्स करते हैं।
सो ये है MI का स्पीकर। आप देख सकते हो गाइज ये कितना कॉम्पैक्ट है, मतलब कम्प्लीटली मेरी मुट्ठी में बैठ जाता है। और यहाँ पे आगे की तरफ आपको देखने मिलता है उसका मेन स्पीकर, MI की ब्रांडिंग। नीचे की तरफ आपको देखने मिलता है माइक्रो USB पोर्ट, यहाँ पे आपको देखने मिलता है LED इंडिकेटर। नीचे की तरफ आपको देखने मिलता है पावर ऑन ऑफ का बटन, और इसके ऊपर ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो गाइज अभी हम करते हैं इसे पावर ऑन, ब्लूटूथ से इसे कनेक्ट करते हैं और प्ले करते हैं इसमें कुछ सॉन्ग्स। सो जैसे आपने देखा इस मी कॉम्पैक्ट ब्लूटूथ स्पीकर 2 का अनबॉक्सिंग, काफ़ी बढ़िया और बेहतरीन ये स्पीकर है गाइज। ये स्पीकर काफ़ी कॉम्पैक्ट है, मतलब आपके मुट्ठी में लिटरली ये बैठ जाता है। और इसका जो स्पीकर का आउटपुट है वो है 2 वॉट्स का, सो 3 वॉट नहीं 2 वॉट्स का है। 800 रुपीज़ के प्राइस में आपको 2 वॉट्स का आउटपुट मिलता है। बट जो साउंड क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है, मतलब क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, वोकल्स बेस काफ़ी ज़्यादा क्लियर है इसके और कॉम्पैक्ट है गाइज। इसकी जो बैटरी कैपेसिटी है वो काफ़ी भी मेंशन नहीं है, और इसका जो प्लेबैक टाइम है वो है अप टू 6 आवर्स। सो गाइज काफ़ी बढ़िया और बेहतरीन ये भी स्पीकर मुझे लगा इस प्राइस रेंज में। तो दोस्तों जैसे आपने देखा उन पांचों स्पीकर्स का अनबॉक्सिंग, काफी बढ़िया और बेहतरीन वो पांचों भी स्पीकर्स थे। और गाइज ये सारे स्पीकर्स मैंने परचेस किए 1000 रुपीज़ की प्राइस रेंज के अंदर, और गाइज अभी एक दो स्पीकर्स जो है 1100 रुपीज़ की प्राइस तक गए हैं। सो गाइज प्लीज उतना एडजस्ट कर लेना, क्योंकि जो सेलर है वो प्राइस चेंज करते रहते हैं। सो यूजुअली आपको 1000 रुपीज़ की प्राइस के अंदर ही मिल जाएंगे। सो अगर किसी को इन स्पीकर में से कोई भी स्पीकर परचेस करना हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके आप इन्हें परचेस कर सकते हो। सो गाइज बस यही था आज के वीडियो के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसी ही टेक रिलेटेड अनबॉक्सिंग के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट बात, प्लीज मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी लाइक कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।